भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जो गरीबों, कमजोर किसानों, दलितों, नौजवानों का पूरा ध्यान रखती है। ये बात क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अवसर पर हसनपुर के सुखदेवी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कही। श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से पहले किसी ने भी गरीबों की बेटियों के हाथ पीले करने की नहीं सोची। भाजपा सरकार में ही ऐसे व्यक्तियों की बेटियों की शादी करने का निर्णय लिया गया। जिन लोगों के पास बेटी के विवाह करने हेतु पर्याप्त धन नहीं था, महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने बताया कि आज पूरी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की 220 गरीब परिवार की लोगों की बेटियों की शादी की गई है। अगर आप अनुमान लगाएंगे तो 220 लड़कियों की शादी करने में करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया है। इतना बड़ा कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ही कर सकते हैं। इससे पूर्व में भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी सरकारें नहीं, परंतु किसी ने भी गरीबों के परिवार की बेटियों की सुध नहीं ली। आज इस अवसर पर मुख्य रूप से गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़गवंशी, अंकुर अग्रवाल, हसनपुर ब्लॉक प्रमुख ममता गुर्जर आदि सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। आज मान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत विकासखंड हसनपुर, विकासखंड गंगेश्वरी, नगर पालिका हसनपुर, नगर पंचायत उधारी और नगर पंचायत शहर नगरी के सामूहिक विवाह आज हमारे सुखदेव इंटर कॉलेज के प्रांगण में किए जा रहे हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी हसनपुर हैं, दो ब्लॉक प्रमुख हैं राजेंद्र खड़गवंशी, ममता गुर्जर और पुलिस अधीक्षक अपने सीओ साहब, एडीओ पंचायत दोनों हैं और यहाँ पर पूरे व्यवस्थित तरीके से इनकी शादी कराई जा रही है। सरकार 51,000 रुपये एक शादी पे खर्च कर रही है। इनकी बेटी के खाते में 35,000 रुपए ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, पूरा सामान दे रहे हैं और सबको भोजन देने की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई है। ये पहली सरकार है जो गरीब ऐसे बेचारे लोगों की चिंता कर रही है। हमारी सरकार जो बहनों के कभी हाथ पीले नहीं होते थे, उन बहनों के हाथ पीला कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज 220 जोड़ों की शादी हो रही है और 220 जोड़ों पर लगा लो कितना खर्च हो रहा होगा। मौके पर 220 के करीब है, जो कुछ आने को रह रहे वो आ रहे हैं रास्ते में है। बाकी पूरे व्यवस्थित तरीके से इनकी शादी की जा रही है। हर साल हमारी सरकार इस तरह की शादी कराती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही चिंता करते हैं। आज ऐसा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है जो कभी किसी सरकार ने नहीं किया। कोई 120 शादी एक साथ एक विधानसभा में किसी सरकार के द्वारा नहीं कराई गई। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से योगी जी बने हैं, उनके नेतृत्व में ऐसी सरकार है जो एक साथ इतना बड़ा बजट एक विधानसभा में खर्च कर रहे हैं शादियों को। आपने भी ऐसे अधिकारी चीज को पलीता लगा रहे हैं, 65 लोगों तक तो सूचना नहीं पहुंची। आप पात्र पाए नहीं, आ रहे हैं रास्ते में है, सब लोग सब पहुंचेंगे। गंगेश्वरी ब्लॉक के जोड़े गंगेश्वरी के सब लोग आ रहे हैं, हसनपुर के सब लोग आ रहे हैं, सबको बैठा रहे हैं और जब बैठ जाएंगे तब मेरे से बात करना। आपने भी व्यवस्था देखी, इस पर क्या कहेंगे? अव्यवस्था कोई नहीं है, सब पूरी व्यवस्था ठीक है। 220 लोगों को बैठाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। 220 लोगों को ऐसे कह दो, 220 बेटी है, 220 बेटा है, तो इनको व्यवस्थित तरीके से कराने में इतना समय चाहिए कि उनको तरीके से बैठा लें, पूरे तरीके से उनके फेरे कराए जा रहे हैं। मुस्लिम जो लड़की हैं उनके उस हिसाब से उनका उधर शादी की जा रही है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। पूरा व्यवस्थित तरीके से 220 बेटियों की शादी एक साथ कराना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि हम सराहना करते हैं माने योगी जी की सरकार की और हमारे अपनी सरकार है कि हम इतनी बड़ी शादी एक साथ अपने विधानसभा में करवा रहे हैं। उसी का परिणाम है, उसी का जनता ने ये हमको विश्वास दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री बने और मैं भी दोबारा विधायक बनाऊँ आपके सबके आशीर्वाद से।